बहरहाल बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी ने आज लोकसभा में जवाब दिया। पीएम ने संबोधन की शुरुआत ही विपक्ष पर निशाना साधने से की। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने सालों साल वहां बैठने का फैसला किया है, आने वाले सालों में विपक्ष दर्शक दरगाह में नजर आएगा। पीएम ने कहा कि विपक्ष को देश की कोई भी उपलब्धियां नहीं नजर आ रही है। साथ ही साथ उन्होंने इंडिया अलायंस पर भी जमकर हमला बोला। मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। इनको अपने इस कुनबे में अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे। एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने का भरपूर प्रयास हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस एक परिवार में उलझ गई है। देश के करोड़ों परिवार की आकांक्षाएं और उपलब्धियां वो देख पा ही नहीं रहे। देश के विभिन्न राज्यों में आए दिन पेपर लीक और नकल की घटनाएं होती रहती हैं। कई राज्यों में इसके खिलाफ कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। कई राज्यों में तो पेपर लीक की वजह से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी और दोबारा एग्जाम भी करवाने पड़े। इसे देखते हुए ही आज केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पेश कर दिया है। पेपर लीक बिल आज यानी कि 5 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया। बता दें, यह बिल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेश किया है। बिल में पेपर लीक और दूसरे के स्थान पर देने पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बता दें, पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाने की बात कही गई है। वहीं दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर परीक्षा देने पर भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बढ़ेंगे खबरों की ओर। हार्ट ओवर माइंड अश्विनी लोहानी के सार्वजनिक जीवन की 4 दशकों की पैनी दृष्टि वाले अनुभवों की गाथा है, जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय से शुरू हुई है और उसके बाद पर्यटन मंत्रालय, भारतीय पर्यटन विकास निगम, मध्य प्रदेश पर्यटन, भारतीय रेलवे के दिल्ली डिवीजन एयर इंडिया और आखिर में भारतीय रेलवे के चेयरमैन तक पहुंचती है। एक बेजोड़, बेदाग और सफल करियर जिसका इस पुस्तक में वर्णन है, वास्तव में कईयों के लिए प्रेरणा बन सकता है। ऐसे अनुभव जो सभी तरह के संसाधनों से ऊपर मानव संसाधन की श्रेष्ठता को प्रमाणित करते हैं। शहरी इलाकों की पार्टी समझने जाने वाली भाजपा अब ग्रामीण इलाकों में अपनी जनाधार मजबूत करेगी। लोकसभा चुनाव में इसे अमल करने जा रही है। बीजेपी ग्रामीण इलाकों पर फोकस करते हुए देश भर में चलो गांव की ओर अभियान शुरू कर रही है। वहीं राजस्थान में अभियान 9 से 11 फरवरी तक चलेगा और इसके तहत राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मंत्री विधायक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित पूरी बीजेपी गांव में रात में विश्राम करेगी। इस दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया ने आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के बयानों पर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर एक महाअभियान शुरू किया है। संपूर्ण देश में 4 तारीख से शुरू हो गया गांव चलो अभियान के तहत राजस्थान के 45 गांवों को मैपिंग किया गया है और 10,000 के लगभग शहरी क्षेत्र के वार्ड्स को भी छोड़ा नहीं, उनको भी साथ लिया है। इस प्रकार से 54,000 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता और नेता वहां पर 24 घंटे के लिए जाएंगे। वो अभी तक भी अपनी हार से उभरे नहीं है। संपूर्ण भारतवर्ष की जनता ने जिस प्रकार से कांग्रेस को नकारा है तो मैं सोचता हूं कि उनको जरा अपना ज्ञानवर्धन कर लेना चाहिए, इतिहास उठा के देख लेना चाहिए। एक तरह से उन्होंने अपमान किया है, भारी अपमान किया है कि भारत रत्न किसको दिया जाए। मुझे तरस आती है ऐसे लोगों पर, ऐसे नेताओं पर जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम पार्टी के नेता हैं। प्रणब मुखर्जी को दिया गया। देश की संसद में हाल ही में 3 बड़े नए कानून में बदलाव किया गया है। 3 कानून आमजन के लिए धरातल पर लागू करने के लिए राजधानी जयपुर में पुलिस मुख्यालय पर पुलिस डीजी यूआर साहू, लॉ प्रोफेसर मनोज कुमार शर्मा सहित सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट के साथ एक सेमिनार आयोजित किया गया। पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के साथ इस सेमिनार की शुरुआत की गई। सेमिनार में ग्राफिक्स और वीडियो के जरिए संसद में बने आमजन के लिए संशोधित 3 नए कानून पर खुलकर चर्चा की गई। आमजन को बेहतर कानून का लाभ मिले इसके लिए संवाद भी किया गया। अभी हाल ही में बने 3 कानून यानी कि बीएनएस और बीएनएसएस
और BEA, ये तीनों कानूनों को धरातल पर किस तरीके से लागू किया जाएगा, इसी को लेकर के आज पुलिस मुख्यालय पर तमाम बड़े आला अधिकारियों के साथ DG UR साहू के साथ में तमाम वो बड़े IPS अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद हैं, और साथ ही साथ वर्तमान में इन कानूनों को धरातल पर किस तरीके से लागू किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस को लेकर के किस तरीके से लागू किया जाएगा, उन तमाम बातों पर जो है वो चर्चा और विषय रखा गया। हालांकि इस मीटिंग में जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से भी कुछ ऐसे प्रोफेसर जो पहुँचे हैं जो कानून का ज्ञान रखते हैं, साथ ही साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई आला वकील भी पहुँचे हैं जो कानून का बेहतर ज्ञान रखते हैं, उन्होंने भी अपने विचार यहाँ पर साझा किए। हालांकि जल्द ही ये तीन नए कानून राजस्थान में आम जन तक पहुंचेंगे और उनके अवेयरनेस को लेकर के तमाम अलग अलग तरीके से नवाचार करते हुए आम जन को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। कैमरा सहयोगी कुलदीप के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां पिता और बेटे के बीच चल रहा विवाद इस मोड़ तक पहुंच गया कि बेटे ने पिता को डंडों से पीटकर मौत की घाट उतार दिया, जिसके बाद मृतक के दूसरे बेटे की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। सहारनपुर के SSP विपिन ताड़ा ने बताया कि नानोता थाना क्षेत्र में संपत्ति को लेकर पिता और पुत्र में लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसमें बेटे ने अपने पिता की जान ले ली। कल रात्रि में थाना ननोता में एक पुत्र ने पिता को डंडा मारकर उनको घायल कर दिया, जिसके बाद में मृत्यु हो गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची सूचना पर तो जानकारी में आया कि पिता के तीन पुत्र थे और तीनों में संपत्ति का विवाद था। कल रात्रि में जो बड़ा पुत्र है उनके साथ पिता का झगड़ा हुआ और इसी दौरान कहासुनी में पुत्र ने पिता के सर पर डंडा मारा, जिनकी की बाद में मृत्यु हो गई। इस पर पुलिस ने अन्य पुत्र के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है और चश्मदीद गवाहों और FIR के आधार पर जो आरोपी है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत किया जाएगा। जो भी नियमानुसार कार्यवाही है, अग्रिम कार्यवाही इसमें की जा रही है। कस्बे में विधायक कोटे से और नगर पालिका के सहयोग से लगाए गए CCTV कैमरे करीब 1.5-2 साल से बंद पड़े हैं। ऐसे में आपात स्थिति में पुलिस को फुटेज भी नहीं मिल पाते। जानकारी के अनुसार शाहपुरा कस्बे में विधायक कोटे से 7 साल पहले करीब 20 लाख रुपए की लागत से करीब 24 CCTV कैमरे लगाए गए थे। इसके पीछे मंशा थी कि आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके, लेकिन प्रशासन की तरफ से पर्याप्त देखरेख अभाव में सभी बंद पड़े CCTV कैमरे अब धूल फांक रही है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी इनकी ठीक करवाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। नगर पालिका द्वारा 26 कैमरे MLA लैंड द्वारा पूर्व में लगाए गए थे, जिनमें से लगभग 4 कैमरे चालू हैं, बाकी सारे कैमरे बंद हैं। जो बंद कैमरे हैं उनको भी अति शीघ्र फंड की व्यवस्था होने पर कार्य टेंडर लगाकर और चालू किया जाएगा। छापरा नगर पालिका द्वारा छापरा शहर में आम जन के लिए जो कैमरे लगाए गए थे वो 1.5-2 साल से बंद पड़े हैं। हमारी प्रशासन से मांग है कि उन कैमरों को तुरंत चालू किया जाए, जिससे क्षेत्र में बढ़ती हुई चोरियाँ, डकैती, इन पर रोकथाम हो सके। इन कैमरों से चोरियों को पकड़ने में पुलिस को भी सहायता मिलेगी। और कस्बा छापरा में नगर पालिका प्रशासन की तरफ से करीब 24-25 कैमरे लगाए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर कैमरे बंद की रिपोर्ट मिली है। अगर CCTV कैमरे नगरपालिका द्वारा सही करवाए जाते हैं और अन्य कैमरों को भी अगर मालिक उसे हम सही करवाते हैं, तो देखो हर घटना में पारदर्शिता होती है, निष्पक्षता से जांच होती है, चोरी नकबजनी वगैरह की वारदात होने की संभावना रहती है, उसमें भी हमारे को अपराधियों तक पहुंचने में सुविधाजनक रहता है। मैं नगरपालिका शाहपुरा जिला जयपुर से निवेदन करता हूँ कि जो पूर्व के अंदर जगह जगह चौराहों पर नगरपालिका परिक्षेत्र के अंदर नगरपालिका द्वारा CCTV कैमरे लगवाए गए थे, वो काफ़ी बार समाचार पत्र के माध्यम से भी और काफ़ी लोगों के निवेदन करने के बावजूद भी उनको सुधरवाया नहीं गया और अच्छे कैमरे, जो अच्छे क्वालिटी के कैमरे हैं लगाए जाने थे, वो भी नहीं लगाए गए। खबर जैसलमेर से है, जहां मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में चिंकारा हिरण के शिकार मामले में वन विभाग ने 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। वन विभाग की टीम ने शिकारियों के पास से बंदूक और जीप बरामद की, जिसके बाद दोनों शिकारियों को अदालत में पेश किया गया। इकाई पंचम में हुए शिकार प्रकरण दिनांक 23/1/2024 में
दोनों मुलजिम गणे खां पुत्र आचार खां व मरियाम का पुत्र आचार खां को कल कस्टडी में लिया गया है और इनके साथ ही इस शिकार प्रकरण में प्रयुक्त वाहन जीप RJ-19UA-3183 व एक टोपीदार बंदूक। मुजफ्फरनगर जनपद के कमहीरा गांव में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अखाउ सेंचुरी का निर्माण कराया गया है, जिसे रोजाना 500 मजदूरों की मेहनत से 8 महीने के रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। 20 एकड़ में बने इस अखाउ सेंचुरी को केंद्र सरकार के सहयोग से तैयार किया गया, जिसमें तकरीबन 5000 गौवंश को रखने की कैपेसिटी है। इसके बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री संजय बालिया ने बताया कि अखाउ सेंचुरी का निर्माण करीब 8 महीने के रिकॉर्ड समय में बना हुआ है और केंद्र सरकार के सहयोग से इसका निर्माण किया गया। अब यह प्रदेश सरकार को हैंडओवर कर दी गई है। अब इसमें एक संस्था के साथ मिलकर जनपद मुजफ्फरनगर में कितने आवारा बेसहारा या फिर जिन किसानों को खेत में गौवंश से समस्या हो रही है, पूरे गौवंशों को यहां पर लाया जाएगा। देखिए, काउ सेंचुरी का निर्माण करीब 8 महीने के समय में रिकॉर्ड समय में हुआ है। केंद्र सरकार के सहयोग से NDVA के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब ये प्रदेश सरकार को हैंडओवर कर दी गई है। अब इसमें एक संस्था के साथ मिलकर जो आवारा पशु हैं जनपद मुजफ्फरनगर में, जितने भी पशु बेसहारा पशु खेत में किसान को समस्या हो रही है गोवंश है, उस गोवंश को पूरे को यहां लाया जाएगा 5000 की कैपेसिटी के करीब। खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से है, जहां रिश्वत मांगने के आरोप को लेकर AVBP कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने की कोशिश की। AVBP के कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की कोशिश की। बताया चले कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की मारपीट करने की कोशिश का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी बस स्टैंड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जिला जालौन कस्बा उरई में ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो कालपी बस स्टैंड पर चेकिंग कर रहा था, एक मोटरसाइकिल का चालान करते वक्त मोटरसाइकिल सवार से उनका वाद विवाद हो गया। दोनों पक्ष से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में मेरे द्वारा जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी सत्य होगा उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के कुशीनगर जिले से एक भीषण सड़क हादसा होने की खबर सामने आई है। बता दें यह हादसा घने कोहरे की वजह से हुआ था। घने कोहरे के चलते तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 4 घायल बताए जा रहे हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई है। राजस्थान के जालौर में पर्यटन विभाग और जालौर विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में 10 से 12 फरवरी तक आयोजित होने वाले जालौर महोत्सव की पूर्व तैयारियों को लेकर DM निशांत जैन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बता दें बैठक में जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम में अधिक से अधिक आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इस दौरान जिला एवं ब्लॉक स्तर पर जालौर महोत्सव को उत्साहपूर्वक बनाने के साथ ही इस महत्वपूर्ण आयोजित होने वाले विभिन्न गतिविधियों और इवेंट्स के आयोजन प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई और कहा इस बार जालौर महोत्सव में विभागीय योजनाओं की झांकियां जालौर जिले के स्थानीय उत्पाद परंपरागत व्यंजन के साथ ही प्रदर्शन किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज TV के साथ। नमस्कार।